केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। हरियाणा पंजाब के बाद अब यूपी के भी किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज तस्वीरें आपके सामने हैं झांसी, जालौन, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, श्रावस्ती, रामपुर और बुलंदशहर की, जहां किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए आगरा से है, यहाँ पर हाईवे को जाम कर दिया गया। हाईवे पर ये किसान बैठे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर बागपत से आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी की गई है सरकार के खिलाफ और कृषि कानून के खिलाफ। तो वहीं तीसरी तस्वीर आपको बिजनौर से दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजनौर में सड़क जाम करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। तो वहीं चौथी तस्वीर बुलंदशहर से है, बुलंदशहर में यातायात प्रभावित हुआ है और किसानों ने नारेबाजी भी की है। पांचवी तस्वीर गाजियाबाद से हम आपको दिखा रहे हैं, गाजियाबाद में भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और ट्रैफिक जाम किया। ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और ये देखिए एम्बुलेंस को भी यहाँ पर जाने का रास्ता जो है वो बड़ी मुश्किल से मिला है। गाजियाबाद से ये तस्वीरें हैं। तो वहीं रामपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए रामपुर से ये तस्वीरें जहाँ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार पर खूब हमले बोले गए। तो वहीं जो सातवीं तस्वीर है वो सहारनपुर से है, सहारनपुर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है, रोड जाम किया हुआ है और खेत के बाहर बैठकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। सहारनपुर से ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर मजमा लगा रहा है किसानों का, हालांकि पुलिस से थोड़ी नोकझोंक भी यहाँ पर जरूर देखने को मिली थी सहारनपुर में। तो वहीं आठवीं तस्वीर हम आपको शामली से दिखा रहे हैं, शामली से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं किसानों का धरना प्रदर्शन, यहाँ पर पुलिस की जो मुस्तैदी थी वो फिलहाल नहीं दिखाई दी क्योंकि जो बड़ी जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार यहाँ पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस महकमे की तरफ से जो तैयारियां थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आई। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर किसान, क्या बातचीत से निकलेगा हल, ये बड़ी जानकारी। तमाम जानकारी के साथ जतिन गोस्वामी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। जतिन, क्या कुछ हालात फिलहाल गाजियाबाद के? देखिए मैं दिल्ली यूपी की सीमा यूपी गेट पर मौजूद हूँ, सीधे आपको यहाँ तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, प्रशासन की अपनी निगरानी है और ये साफ कर दिया गया है कि किसानों को यहाँ पर रोककर मान मनोबल की कोशिश की जाएगी अगर वो यहाँ तक पहुंचते हैं। हालांकि अभी की अगर बात करें तो यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर मोदी नगर में किसान जो है वो पहुंचे और उनके जो नेता हैं राकेश टिकैत वो मेरठ से रवाना हो चुके हैं और इसके अलावा दुहाई में भी यहां से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर दुहाई इलाका है, वहां पर भी किसान एकत्रित हो रहे हैं और धीरे धीरे जो उनका जत्था है वो लगातार बढ़ रहा है दिल्ली की तरफ। तो कुल मिलाकर ये जो दायरा है, सुरक्षा दायरा, इसे सीधे कहें कि सुरक्षा किले में ये जो देश की राजधानी और गाजियाबाद के बीच का जो बॉर्डर है वो तब्दील हो चुका है और हर तरह की निगरानी यहां पर की जा रही है। ये यूपी का हिस्सा है, अगर मैं दूसरी तरफ उधर दिखाऊं तो वहां देखिए बॉर्डर का हिस्सा और ठीक दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस वहां पर मौजूद है क्योंकि किसानों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की भी व्यवस्था की गई है, ये कई जिलों में व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थिति तैयार की गई है, इस तरह के जो व्यवस्था है वो तैयार की गई है कि अगर किसान यहाँ पहुंचते भी हैं तो उनको पहले यहाँ पर मनाने की कोशिश की जाएगी और जो आगे के रणनीति होगी उसके आधार पर और जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से मिलेंगे उसके आधार पर प्रशासन और पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी, और क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारियां, जैसे कि आपने दिखाया कि दिल्ली और यूपी के जो पुलिस है वो तैनात है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है क्या? किसान संगठनों से पुलिस की बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी हैं उनकी लगातार, जो किसानों के नेता हैं उनसे बातचीत हो रही है और यहाँ मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो जो एसपी हैं ज्ञानेंद्र जी वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं और ये जो तमाम पुलिस फोर्स है उनकी यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है। कुल मिलाकर स्थिति जो है उसका जायजा भी यहाँ पर एसपी साहब ने लिया है। अगर हम उनसे बात करने की यहाँ कोशिश करें, सर अभी के जो हालात हैं क्या किसानों से कोई बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत किसानों से लगातार हो रही है हम लोगों की, उनका जो भी मूवमेंट है उसके बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं तो हम लोग संपर्क में हैं लगातार उनसे।
तो पहले क्योंकि वो अगर यहाँ पहुँचते हैं, हालांकि अभी तो बहुत दूर हैं, लेकिन अगर यहाँ पहुँचते तो पहले मान मनोबल होगा जैसा कि आपने उस दिन भी कहा था। हाँ बिल्कुल, लेकिन जैसा अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि दिल्ली में जाने की अनुमति है जी। तो बाकी दिल्ली के भी अधिकारी हम लोग उनसे भी टच में है जी। तो जैसी वहाँ से परमिशन मिलेगी उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आप यहाँ पर एसपी साहब को सुन सकते हो, बता रहे हैं कि उनका कहना है कि अभी जानकारी है कि दिल्ली जाने की परमिशन हो गई है, दिल्ली पुलिस से भी उनकी बातचीत चल रही है, किसानों के नेताओं से भी बातचीत चल रही है, कुल मिलाकर जो भी स्थिति बनेगी उसके आधार पर तमाम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि एहतियातन ये जो व्यवस्था है, किले में तब्दील व्यवस्था, वो यहाँ पर तैयार की गई है और कोई भी कोताही लापरवाही ना हो उसको देखने के लिए यहाँ पर खुद अधिकारी मौजूद हैं और हर तरह की जो ब्रीफिंग है वो पुलिस कर्मियों की यहाँ पर की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ ये यूपी का हिस्सा है और मेरे ठीक उस तरफ दिल्ली का हिस्सा है जहाँ पर दिल्ली पुलिस मौजूद है। अधिकारी खुद जाकर दिल्ली पुलिस से बात कर रहे हैं और वहां पर दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो संबंधित पुलिस को ब्रीफ कर रहे हैं जी। यहाँ पर जैसे कि आपने जानकारी दी कि यूपी बॉर्डर पर तो पूरी तरीके से तैनाती कर दी गई है, लेकिन मोदी नगर से क्या कुछ जानकारियां अभी तक आपके पास आ रही हैं, वहां पर क्या कुछ हालात हैं? देखिए, जो मोदी नगर में किसान मौजूद हैं वो अपने नेता राकेश टिकैत का इंतजार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरह के दिशा निर्देश उनको देगा उसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जरूर है कि मोदी नगर और उसके बाद मुरादनगर और दुहाई के बीच भी किसान एकत्रित हो रहे हैं। तो जैसे जैसे किसानों का जो दल है, जत्था है, वो इस तरफ यानी यूपी गेट बॉर्डर की तरफ बढ़ेगा तो उनकी जो संख्या है उसमें निश्चित तौर पर इजाफा होता जाएगा। इसीलिए ये जो फोर्स है ये बहुत जरूरी थी और इस फोर्स का इजाफा भी बहुत जरूरी था और उनकी ब्रीफिंग भी बहुत जरूरी थी। तो इसीलिए निश्चित तौर पर आप ये व्यवस्था यहाँ पर देख सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं कि बॉर्डर पर दिल्ली यूपी देश की राजधानी और यूपी के बीच बॉर्डर पर ये जो व्यवस्था है ये किस तरह से चाक चौबंद रखी गई है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।